वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सबको मैं आज पटियाला सलवार की कटिंग करके दिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी बेल्ट नापेंगे। हमारी बेल्ट जो है 40 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का और मार्जिन रखना है, 2 इंच और प्लस जोड़ना है। पूरा 42 इंच का हमें बेल्ट रखना है। अब हमारी बेल्ट को हम सीधी लाइन ड्रॉ करके कट कर देंगे। अब हम अपना कपड़ा सीधा करेंगे और उसको फोल्ड करेंगे, टू फोल्ड। अब फिर 4 फोल्ड करेंगे। अच्छे से कपड़े को हम सही करके फोल्ड कर लेंगे। ओपन साइड देखिए फ्रेंड मेरी तरफ है, और जिस उसकी बंद साइड है, फोल्डेड साइड, वो आपकी तरफ है। तो अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। सलवार की पूरी फुल लेंथ है 40 इंच, जिसमें हमें ये 34 इंच है, इसमें हमें 3 इंच मार्जिन रखना प्लस मोहरी के लिए। और हमारी पूरी तैयार सलवार की लेंथ आएगी 40 इंच। अब 34 का हाफ करेंगे तो 17 इंच आएगा। 17 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। और नीचे से मोहड़ी का निशान लगाना है, बंद साइड से। फ्रेंड हमें मोहड़ी का निशान लगाना है बंद साइड से, 8 इंच पे मोहड़ी का निशान। और इस निशान को सीधे मिला देंगे। सपोर्ट करते फिर हम आप लोग के लिए और अच्छे से नए नए वीडियो सलवार कटिंग लेके आएंगे। निशान मिलाने के बाद फ्रेंड अब इसको हम निशान पे से कट कर देंगे। फ्रेंड ये हाफ कली सलवार है, इसमें छोटी कलियाँ लगती हैं। अब इस साइड हमारी कली जॉइंट होगी। अब हम कली से इसको सही करके अब इसमें से आसन कट करेंगे। इसको सही करके फोल्ड करके आसन कट करने के बाद हमें यहाँ मियानी अटैच करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करें जो इसी से हमें कट करना है, और फिर यहाँ भी मियानी लगानी है। अब हम इसको एक जो फोल्ड साइड है इसको कट कर लेंगे, दोनों साइड से कट कर लेंगे। जो अब हम मियानी की कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए आपको मैं सलवार की सिलाई करके दिखाती हूँ। अब सबसे पहले हम अपनी चारों मियानी की कटिंग पूरी की। मैंने पहले मियानी उठाई और एक साइड में जॉइंट, देखिए आप देख रहे होंगे कैसे मैं जॉइंट कर रही हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही जॉइंट करना है। अब मैं देखिए दूसरी साइड की तरफ से कली जोड़ रही हूँ, ये भी कली आपको जोड़ लेना है फ्रेंड। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। आपको ऐसे ही बाकी की 2 कलियाँ भी जोड़ लेनी है। फ्रेंड्स हमारी 2 कलियाँ जॉइंट हो गई, अभी हमारी तीसरी कली भी हम जोड़ देंगे इसमें। हमारी तीसरी कली भी कंप्लीट हो गई, हमारी सारी चौथी कली इसमें जॉइंट हो गई है।
आपको ध्यान से चारों अब हमें चार साइड जोड़ लेना है, दोनों साइड की म्यानी। अब हम डबल सीजन चला लेते हैं। दोनों साइड से म्यानी को जोड़ लेंगे। अब हमको मियानी दोनों साइड से जॉइन कर लेना है अच्छे से डबल सिलाई करके। दोनों साइड की मियानी जॉइन करने के बाद हम अब देखिए हमारी मियानी जॉइंट हो गई। अब हम चलते हैं बेल्ट बना लेंगे अपना। फ्रेंड मेरे बेल्ट में थोड़ा सा जोड़ आ गया है, जोड़ को जॉइंट हम कर लेंगे। अब हम अपनी बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। अब हम सलवार में प्लेट डालेंगे। अब ध्यान से देखिए वो प्लेट कैसे डाल रहे हैं हम। आपको एक एक प्लेट अच्छे से डालनी है। हमारी एक साइड की बेल्ट कंप्लीट हो गई वही है। अब हमें पीछे मियानी के पास दो प्लेट डाल लेंगे जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आती है, पटियाला राउंड शेप आता है। ये प्लेट दो प्लेट डालना बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे घेर अच्छा आता है। अब हमें दोनों साइड की हमारी बेल्ट की प्लेट पर अब हमें इसे देखना है कि हमारी बेल्ट के बराबर है या नहीं। नाप लेंगे हमारी बेल्ट की इतनी लेंथ होगी उस हिसाब से हमें इसको नापना होगा। अगर हमारी बेल्ट 40 इंच की है तो हमें 10 इंच पे चुन्नट प्लेट डालनी है। फ्रेंड्स आप प्लेट्स को ध्यान से डालें अच्छे से जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए।
अब हम दूसरी साइड प्लेट को अटैच कर लेते हैं फ्रेंड। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही प्लेट डालें सेम। हमें 10 इंच तक प्लेट को डालनी है। अब इसके बाद हम अपनी बेल्ट को रख के इसका मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारी बराबर है कि नहीं। अब इसके बाद हम बेल्ट को उस पर रख के सिलाई चला लेंगे फिनिशिंग के साथ। अच्छे से सिलाई हम चला लेंगे पूरा राउंड शेप में, पूरा चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद इस पर बेल्ट पे हम दाब सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी प्लेटें अच्छे से बैठ जाएं। प्लेट हमारी कंप्लीट। अब हम चलते हैं मोड़ी की तरफ। हमें मोड़ी बनाना है जिसके लिए हमें बुकरम में इसे पेस्ट करके इसको पलट देना है। आप अपनी मनपसंद की डिज़ाइन डाल सकते हैं इस मोड़ी में, जैसी आपको पसंद आए। आप जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मोड़ी बनाने फिर इसके बाद हमें जितना अपनी मोड़ी को रखना है उतना नाप लेंगे और सिलाई लगा देंगे।